पति तीर्थ। नरोत्तम ने ब्राह्मण से पूछा, तुम ब्राह्मण होते हुए भी चांडाल के घर में क्यों रहते हो? भगवान ने कहा, अभी तुम्हारा अंतःकरण पवित्र नहीं है, पीछे तुम पहचान जाओगे। भगवान ने पतिव्रता के संबंध में नरोत्तम को बतलाते हुए उसकी असीम शक्तियों की प्रशंसा की। जब पतिव्रता का घर पास आया तब भगवान अदृश्य हो गए। नरोत्तम ने पतिव्रता के घर में भी उस ब्राह्मण को बैठे देखा। नरोत्तम ने पतिव्रता से प्रार्थना की कि तुम मुझे धर्म का उपदेश करो। पतिव्रता ने निवेदन किया कि मेरी पति सेवा अधूरी है, उसे पूरी कर आपकी सेवा करूंगी, तब तक आप जलपान कर विश्राम करें। सुनते ही नरोत्तम क्रुद्ध हो गया और शाप तक देने को तैयार हो गया। तब पतिव्रता ने कहा, महाराज, पुत्र के लिए जिस तरह माता पिता की सेवा से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, उसी तरह पत्नी के लिए पति की सेवा से बढ़कर अतिथि आदि की सेवा नहीं है, इसलिए पति को अपने सेवा से संतुष्ट कर लूँगी, तभी आपकी सेवा कर पाऊँगी। यदि आपको जल्दी है तो तुलाधार वैश्य के पास जाइए। नरोत्तम तुलाधार वैश्य के घर की ओर बढ़ा। समता तीर्थ। ब्राह्मण रूपधारी भगवान नरोत्तम के पास फिर आए और बोले, ब्राह्मण, चलिए मैं आपको तुलाधार के पास ले चलता हूँ। जब वे दोनों तुलाधार के पास पहुँचे तो वहाँ बहुत बड़ी भीड़ एकत्र थी। बहुत से पुरुष और स्त्रियाँ उसे चारों ओर से घेर कर खड़े थे। ब्राह्मण को आया देखकर तुलाधार ने मीठी वाणी में पूछा, द्विज श्रेष्ठ, आपका यहाँ कैसे पधारना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आप मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। तुलाधार ने कहा, महाराज, मैं वैश्य हूँ, व्यापार मेरा मुख्य धर्म है, व्यापार संबंधी बातों में पहर भर रात बीत जाएगी, आपका आतिथ्य करना मेरा धर्म है, किंतु व्यापार मेरा परम धर्म है, उस परम धर्म के पूरा होने के पश्चात ही मैं आपकी सेवा कर सकूँगा, अतः आप धर्मा करके पास जाएं, मैं व्यापारियों की गुत्थियाँ सुलझा रहा हूँ, इस तरह व्यापारियों में सम रूप से व्याप्त परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। नरोत्तम वहाँ से आगे बढ़ा और भगवान उसके साथ हो लिए। नरोत्तम ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान से पूछा, तुलाधार में क्या विशेषता है? भगवान ने बताया कि वह तुलाधार अपने वैश्य धर्म में स्थिर रहकर सब प्राणियों में भगवान को देखता हुआ वैश्य धर्म का व्यवहारिक उपदेश देता रहता है, इस तरह प्रातः से रात तक सबका भला करता रहता है।